मैं ममता शर्मा, लेक्चरर CDDM, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज से। आज मैं आपको घरेलू सुइंग मशीन के विभिन्न पार्ट्स के बारे में जानकारी दूंगी। मशीन का हमारा ये मुख्य पार्ट है जिसे हम फ्लाई व्हील बोलते हैं, जिसकी सहायता से हमारी मशीन रोटेट होती है या चलती है अथवा घूमती है। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक और अटैचमेंट है जिसे हम बॉबिन वाइंडर कहते हैं। ये बॉबिन वाइंडर, यहाँ पे बॉबिन को लगाया जाता है तथा इस व्हील के घूमने पर ये वाइंडर भी घूमता है, जिससे हम यहाँ पे धागा लगा करके इससे बॉबिन को वाइंड कर सकते हैं या उस पर धागा लपेट सकते हैं। ये हमारा स्टिच रेगुलेटर है। ये स्टिच रेगुलेटर स्टिच की जो लेंथ होती है उसको रेगुलेट करने के काम में आता है। इस पर यहाँ नंबर बने होते हैं, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक नंबर बने होते हैं। जब हमें स्टिच करना होता है हम इस स्क्रू को घुमाते हैं तथा इससे हम इसको ऊपर व नीचे आसानी से कर सकते हैं। 0 पर सबसे मिनिमम नहीं के बराबर स्टिच लेंथ होती है। जैसे जैसे हम 1, 2 और 3 के बीच में जाते हैं, 2 और 3 के बीच में हमारी स्टिच लेंथ मीडियम होती है तथा जैसे जैसे हम ऊपर 5 की तरफ जाते हैं यहाँ हमारी स्टिच लेंथ मैक्सिमम होती है। यदि हमें किसी फैब्रिक में गैदर्स डालने होते हैं तो हम 5 पे स्टिच लेंथ करके काम में लेते हैं, और यदि हमें इसी मशीन से एम्ब्रॉयडरी करनी हो तो हम इसकी स्टिच लेंथ को 0 पर कर लेते हैं और सबसे नीचे ले आते हैं तथा मिडिल में रखने पर हम किसी भी प्रकार के कपड़े पर स्टिचिंग आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार इस स्टिच रेगुलेटर से हम अपनी स्टिच लेंथ को सबसे मिनिमम, यहाँ पे मीडियम तथा सबसे हाई यानी सबसे ज़्यादा रख सकते हैं, मैक्सिमम रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये स्पूल पिन। ये धागे को अपनी जगह रखती है, इस पे जो हम रील लगाते हैं उससे धागा अपने स्थान पर बना रहता है। इसके बाद यहाँ से ये हमारी थ्रेड गाइड है, एक इस साइड है राइट साइड और एक ये हमारी लेफ्ट साइड है। इसके बाद ये हमारी नीडल बार है जिस पे हमारी नीडल लगी होती है। ये दूसरी हमारी प्रेशर फुट बार है, ये इसका स्क्रू है जिससे हम प्रेशर फुट बार को ऊपर या नीचे इस गैप को कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा थ्रेड टेंशन डिवाइस है जिसके हमारे 4 पार्ट हैं। इस स्क्रू के द्वारा हम थ्रेड टेंशन डिवाइस को ढीला या टाइट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट इसका स्क्रू है, फिर इसके बाद ये स्प्रिंग आती है, स्प्रिंग के बाद ये 2 प्लेट्स आती हैं जिसके बीच में हमारा धागा रहता है, और ये एक पिन है जो इन चारों को एक साथ जोड़े रखती है। ये हमारा टेकअप लिवर है। हमारा धागा स्पूल पिन से होता हुआ थ्रेड गाइड में जाता है, इसके बाद यहाँ थ्रेड टेंशन डिवाइस से होता हुआ इसमें टेकअप लिवर में जाता है तथा आगे यहाँ से इस थ्रेड गाइड में होता हुआ सीधा नीडल में पिरोया जाता है। नीचे हमारी प्रेशर फुट बार है, ये हमारी प्रेशर फुट बार है जिससे हमारा प्रेशर फुट इस स्क्रू के द्वारा जुड़ा हुआ है। प्रेशर फुट के द्वारा ही हमारा जो कपड़ा है वो यहाँ पर दबा हुआ रहता है तथा आगे की तरफ खिसकता है। अगर प्रेशर फुट का हमारे इसमें प्रेशर नहीं रहेगा तो हमारे कपड़े में हम स्टिचिंग करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यह कपड़े और मशीन के बीच में बैलेंस बना के रखता है तथा कपड़े पे प्रेशर डालता है जिससे हमारा कपड़ा यहाँ पर जमा हुआ रहता है। ये हमारी नीडल बार है, इसमें यहाँ एक छोटा सा स्क्रू है जिसे हम तार पेच कहते हैं। इस स्क्रू के द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमें निडल को इस पोजीशन से ऊपर नहीं ले जाना है। ये इसकी निडल की पोजीशन को तय करता है कि इस पॉइंट के नीचे ही हमारी निडल आनी चाहिए। ये हमारा निडल क्लैंप है जिसकी सहायता से हम इसको यहाँ पर निडल लगाते हैं। इस स्क्रू को खोल कर हम यहाँ पर निडल लगा सकते हैं। मशीन नीडल जो होती है इसमें एक साइड फ्लैट होती है तथा एक साइड राउंड होती है। ये हमारी मशीन नीडल है, ये एक साइड से फ्लैट है तथा एक साइड से पीछे से राउंड है। जब इसे इसमें लगाया जाता है तो राउंड वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहता है तथा फ्लैट वाला जो हिस्सा है ये
नीडल बाल की तरफ होता है, तभी हमारी नीडल इसमें सीधी लग पाती है। इस पोजीशन में हमारी नीडल इस पोजीशन में, यानी जो फ्लैट वाला हिस्सा है इसका डायरेक्शन हमें नीडल बाल की तरफ रखना पड़ता है, और राउंड वाला हिस्सा बाहर की तरफ होता है। इस नीडल क्लैंप को खोल करके हम इस नीडल को इसके अंदर फिट करते हैं। हमारी नीडल तभी सीधी होती है। ये हमारा प्रेशर फुट लिफ्टर है, जिसकी सहायता से हम प्रेशर फुट को ऊपर अथवा नीचे अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। जब इसे हम नीचे करते हैं तब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, और जब हमें कपड़े को घुमाना होता है या कपड़े की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है तो हम इसके, या कपड़ा फीड करना होता है तो हम इसे ऊपर कर देते हैं। ये हमारी स्लाइड प्लेट है तथा ये हमारी थ्रोट प्लेट है। थ्रोट स्लाइड प्लेट को हम आगे खिसका कर यहाँ से इसमें हम बॉबिन लगाते हैं, और ये हमारी जो थ्रोट प्लेट है इसके अंदर हमारे फीड डॉग अंदर से लगे हुए होते हैं, जिस पर दो स्क्रू होते हैं। इन स्क्रू को खोल करके हम इन फीड डॉग को साफ कर सकते हैं। ये हमारी बॉबिन है तथा ये हमारा बॉबिन केस है। बॉबिन केस में बॉबिन को लगाने के लिए इसकी डायरेक्शन में ही इसको निकाल के ऐसे बाहर, इसके बाद यहाँ से शटल के अंदर ऐसे करके, जब इसमें एक कट आवाज़ आती है इसका मतलब हमारी बॉबिन अच्छे से फिट हो गई है। इसके बाद हमें एक बार इसे चला के देखना चाहिए कहीं अटक तो नहीं रहा है। इट मीन्स हमारी बॉबिन बिल्कुल अच्छे से फिट हो चुकी है। इसके बाद स्लाइड प्लेट को यहाँ से बंद करते हैं और इसमें ऊपर का धागा डालते हैं। इसमें धागा डालने के लिए रील को सबसे पहले स्पूल पिन पर लगाया जाता है, आगे थ्रेड गाइड से होते हुए थ्रेड टेंशन डिवाइस में आती हैं। ये हमारा टेकअप लीवर है जिसमें से धागा पास किया जाता है। ये थ्रेड गाइड है, इसमें से होते हुए धागे को नीचे नीडल में डाला जाता है। धागा जब भी नीडल में डाला जाता है तो प्रेशर फुट को पहले नीचे किया जाता है, उसके बाद धागा डाला जाता है। इस प्रकार हमने नीडल में धागा डाल दिया है। अब हम नीचे के धागे को, बॉबिन वाले धागे को ऐसे चला करके मशीन को थोड़ा सा ऊपर, यू ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं। कभी भी स्टिचिंग स्टार्ट करनी हो तो सबसे पहले नीचे वाला धागा और ऊपर वाला धागा दोनों हमें ऊपर निकालने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम स्टिचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और मशीन की केयर करने के लिए हमें इसमें समय समय पे ऑयल देने की आवश्यकता होती है। यहाँ आगे तीन छिद्र बने हुए हैं जिसमें हमें ऑयलिंग करनी चाहिए। यह फूल पिन है, यहाँ पे भी एक होल है तथा यहाँ पीछे भी एक, जिसकी सहायता से हम यहाँ नीचे ऑयलिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें नीडल बार तथा प्रेशर फुट बार में भी ऑयलिंग करनी चाहिए, और यहाँ नीचे शटल के अंदर भी ऑयल करना आवश्यक है। जहाँ पे छोटे छेद होते हैं वहाँ हमें किसी पॉइंटेड चीज़ की सहायता से ऐसे रख के और इस पर ड्रॉप्स गिराने चाहिए ताकि मशीन ऑयल अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए। ऑयलिंग अगर प्रॉपर तरीके से की हुई होती है तभी हमारी मशीन स्मूथ चलती है। यदि हमारी मशीन में आवाज़ सही आ रही है तो इट मीन्स हमारी मशीन की ऑयलिंग सही है और उसमें धागा भी सही है। यदि हमारी मशीन की आवाज़ चेंज हो जाती है, खट 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 की आवाज़ आने लगती है, तो या तो उसमें ऑयल की कमी है अथवा उसमें कहीं धागा अटक गया है। तो जब तक हम धागा नहीं निकालेंगे तब तक हमें धागा, तब तक हमारी मशीन सही नहीं होगी और उसकी आवाज़ कम नहीं होगी। और मशीन में ऑयलिंग हमें टाइम टू टाइम करनी चाहिए। जब हम सिलाई कर चुके हैं उसके बाद ऑयल लगा करके छोड़ दें और उसे थोड़ा सा खाली चलाएं ताकि जो ऑयल है वो उसके विभिन्न पोजों में पेनिट्रेट हो जाए।
और हमें जब भी किसी लाइट या वाइट कलर का कपड़ा स्टिच करना हो उसके जस्ट पहले ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। ऑयलिंग करने के बाद हमें सारे ऑयल को पूरा अच्छे से साफ करके इसके नीचे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के रख देना चाहिए। तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल यहाँ से पुर्जों में से निकल करके नीचे आता है वो ऑयल उस कपड़े पर आ जाएगा और हमारे लाइट या वाइट कलर के कपड़े पर कोई भी दाग धब्बे नहीं रहेंगे। इस प्रकार मैंने आपको इस मशीन के मुख्य पार्ट्स के बारे में बताया है। ये मशीन जो है इसे हम इसमें मैं आपको ये तो बताना भूल गई, ये मशीन जो है ये दो प्रकार से उपयोग में ली जाती है। इसके पीछे यहाँ हैंडल होता है जिसे हम हाथ के द्वारा चला सकते हैं तथा ये एक पायदान है जिसके ऊपर मशीन फिट है तो इसे हम पायदान की सहायता से भी चला सकते हैं। पायदान के लिए इस मशीन में ये मशीन की माल या प्लास्टिक कॉर्ड लगी हुई है जो इस पायदान से जुड़ी हुई होती है। इसके अतिरिक्त इसे हम मोटर के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।